नौजवान जड़ वेले रिश्ते का पैगाम आया नबी करीम दे खानदान वाले बड़े राजी हो गए। मक्के दी मलका कायनात दी मलका दा पैगाम निकादा आया नौजवान रिश्ता तय हो गया। आओ मैं हुन नबी दी शादी सुनाऊं तेरे वेले मेरे नबी दी परात मक्के दी गली च जा रही ओ बरात कैसी बरात होगी जिदा दूल्हा कमली वाला दुल्हन अम्मा खदीजा तुल कुबरा है मेरे नबी दे चाचे बराती ने ताए बराती ने फुफिया बराती ने मक्के दे उमरारू असा बराती ने अज किसे नौजवान दी बरात टुरे सारे घर वाले नु बड़े चा चढ़े आंदे ने पर बहुता चा ओना आंदे जेड़ा लाड़े दा बचपन दा यार आंदे जेड़ा लंगोटिया यार आंदे ओ कैसा मनदा रवेगा बरात मुहम्मदी जा रही जिन्नू बहुते चा चढ़े ने ओ मुहम्मद दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक हाथ चुके जड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ है अपने अबू नालों परा करके आवे हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे तेरा की जांदा जड़ा इस तो उच्चा बोले ना अज जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे माशाल्लाह हुण काम इत्थे रखिया जी भाई हाथों बंदा चुकदा जड़ा जिंदा भी होवे ते जागदा भी होवे जड़ा नहीं ना हाथ चुकदा नाल दा बेली फड़ के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलिही अफला ताकिलून 1,24,000 रुपया दुनिया ते आए अल्लाह ने किसे नबी दी दी उठाई जद कमली वाले दीवारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाया लाम रुका लाउम लफी सकरती है या महू परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले मैनू तेरी उम्र की कसम तेरी जिंदगी की कसम है मिसल न जानी दी कोई मिसल न जानी दी ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी की मसला जी जिंदाबाद रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी अलामा कारी अफजल साहब और पीर सैयद इब्रार शाह साहब तुहाडे इलाके दी ज़ीनत तशरीफ फरमाने लोग लोगों के क्लास फैलो होंगे ने कोई किसी का स्कूल फैलो होंगे कोई कॉलेज फैलो होंगे कोई यूनिवर्सिटी फैलो होंगे ये मेरे जेल फैलो ने असी कट्ठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूस दी खातर जेल च रह के आए वक्त गुजारिया रोजाना जेल च भी असी मिलाद शरीफ दी महफिल करदे सां तिलावत इन्हां दी हुंदी सी ते तकरीर रोजाना जेल च मेरी हुंदी सी है ते इन्हां दा है ते तुहाडे इलाके दे पर इन्हां नूं दसो आसी साहब आए ने ते असां सुभान अल्लाह चौखी उन्हां वास्ते जोड़ के रखी है रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी आओ मैं तुहानूं अज उस जवानी दा थोड़ा तज़किरा सुनावां उनवान ते बड़ा तवील है मगर मैं तुहानूं अज इख्तिसार नाल चंद जरूरी बातां अर्ज़ करनियां ओ कैसी जवानी होवेगी ओ कैसा किरदार होवेगा कायनात दे अंदर जेड़ा मेरे नबी दा सब तो बड़ा दुश्मन ओ अबू जहल नौजवानों मैदान बदर थोड़ी को घटा दो मैदान बदर इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग अबू जहल मक्के चो 1,000 पहलवान लेके आया
ایک ایک کرن لگے بھائی کیوں کر رہے ہو نہیں نا جی میں اپنا کام بھی ویکھنا نا سیٹنگ خراب ہو گئی نا سبحان اللہ میں میرا روز دا کام ہے مینوں 3 سال ہو گئے نے کرتے میں ویکھو ٹھیک کروا لینا انشاءاللہ سبحان اللہ میدان بدر ابو جہل اودا ایک بچپن دا یار جدا نام ہے اخنس بن شریک اخنس بن شریک نے ابو جہل دے خیمے چ بیٹھ کے آکھے آ کے تو میرا بچپن دا یار ہے کہہ لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ہاں تیسری خدا دی ذات ہے تے میں تینوں پوچھنا مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے بھائی توجہ میرے وال فرماؤ اسپیکر ٹھیک ہو جان گے تو آواز بھی آوے گی سمجھ بھی آوے گی اے میرا تے ساؤنڈ والے دا معاملہ ہے اے 24 گھنٹے میرا ایک کام ہے مینوں 3 سال گزر گئے خطابت کردیاں ہند سندھ میں دنیا ساری پھر کے ویکھی تہانوں گل سمجھا کے جانا میری ذمہ داری ہے میں آیا ہی اسے کام نہ بھائی میں تہانوں سمجھا کے جانا ہے میں جڑا پیغام دیوان آیا ہوں میں پیغام دے کے جانا ہے انشاءاللہ تے ستھرے طریقے نال دے کے جانا ہے بھائی اشفاق صاحب نے انہاں دی ٹیم نے انتظام کیتا تسی دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہو میں ممبر رسول تے بیٹھا تو مینوں پتہ میری ذمہ داری ہے ان لوگ مینوں سنن واسطے ہیں میں کچھ دے کے بھیجنا ہے ہاں سفر کر کے آئے ہو خرچہ کر کے آئے ہو نیند قربان بستر قربان کر کے آئے ہو تے خالی تے نہیں نہ جانا ہوئے ہے کچھ لے کے جانا ہے تے میں انشاءاللہ العزیز میرے سائیاں جو مینوں عطا کیتا ہے میں انشاءاللہ او تانوں او میاں صاحب فرماتے ہیں جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے اک ونجارے موتی وچن اک من کے کج کارے ہیں دکاندار کو سودا ہوئے تے دے دیندا نہ ہوئے تے کہندا جی کسے ہور کولو لے لو میری دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا تے میں گلی گلی اے تقسیم کر رہا ہاں اوہی انشاءاللہ آپ احباب نو دے کے جانا ہے اخنس بن شریک ابو جہل دا بچپن دا بیلی بدر دے میدان چ خیمے چ بیٹھ کے کہن لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان کہن لگا میں تینوں اس ویلے خیمے چ بیٹھ کے پوچھنا تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے اپنے یار نو کہن لگا دشمنی اپنی جگہ پر جے سچی پوچھے تے میرا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں جھوٹا محمد سچا میں جھوٹا تے محمد کردار تے او جے دی دشمن بھی گواہی دے وے واہ مدینے دے تاج دارا میں تیری سیرت تو قربان جاما صورت تے سونی ہے ہی پر سیرت کیا سونی کہ دشمن بھی پیاخ دے میں جھوٹا محمد سچائے گرامی قدر حضرات رسول اللہ دی زندگی 14 سال دی جوانی میرے نبی دی چڑھ دی کون ہے دیوالی نے ویکھیا کہ مکہ چ کوئی حکومت نہیں کوئی باضابطہ حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے غریباں دا استحصال ہو رہا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو خیال آیا کہ میں نوجوانہ دی ایک انجمن نہ بناواں آج جڑے نوجوان سیرت مصطفیٰ دا مطالعہ کیتا حلف الفضول ایک بہت بڑی میٹنگ سی مکے دے اندر اس میٹنگ دے اندر بیٹھ کے او دے تحت میرے نبی نے ایک نوجوانہ دی میٹنگ بلا لئی ایک انجمن بنائی ایک ویلفیئر سوسائٹی مکے دے اندر بنائی اج میں تواڈے پنڈ دی انجمن نے اج محفل میلاد سجائی نا انج میرے نبی نے ایک انجمن بنا لئی نوجوانہ دی 14 سال دی جوانی اجے اعلان نبوت تے 40 سال بعد میرے نبی کیتا 14 سال دی کاری افضل صاحب جوانی میرے نبی دی
उस अंजमन का एक ही असूल रखिया कि असा अमीर को गरीबों का हक लैके गरीबों को वापस करना। एक दिन नबी पाक को सफा ते बैठे, सफा पहाड़ी ते नौजवानों की मीटिंग की सदारत फरमा रहे। आराश कबीले का एक पेंडू, एक कबीले वाले पहाड़ की चोटी ते आया ते उन्हें नीचे मक्के शहर वाल वेखिया ते काबे वाल वेख के कह लगा, काबे वाले आ तेरे मक्के च मैं रोंदा जा रहा, ते इस मक्के शहर के अंदर किसी गरीब ते माड़े की सुनने वाला कोई नहीं। उस पेंडू ने जब मक्के शहर वाले काबे वाल वेख के पहाड़ की चोटी तो इन्ना आखिया, मेरे नबी के कन्ना चो दी आवाज गई, हजूर उठ के दौड़ के उहदे करीब गए। हजूर ने फड़ के सीने ला के फरमाया, जिदियां कोई ना सुने उहदियां मैं सुनना। फरमाया तू मैनू सुना। वह पेंडू मेरे नबी के गले लाके ते रो पिया। सैयदुल अमीन ने फरमाया, मैनू गल दस, तू रोया क्यों, अजमला क्यों बोलिया? कह लगा, छड़ो जी, इस मक्के शहर च किसे माड़े ते गरीब ते लिसे दी तो सुनन वाला ही कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया, तू मैनू सुना, मैं तेरे दुखां दा मदावा करांगा। सुन नौजवानों, मेरे नबी दी जवानी दुखी है दी गल दुखी है जाने कौन है। बाली ने दुखिया जो सीने लाया ना उत्ते फट पिया, उन्हें दिल करे हुण सारी जिंदगी दे दुखड़े मुहम्मद नू सुना जावा। अपनी बेटी नू भी पाल लिया, मैं ऊंट भी पाल रहा। मेरा ख्याल सी जदू बेटी जवान होगी ऊंट बेच के मैं अपनी बेटी की शादी कर देवांगा। अज मेरी बेटी की शादी का वेला आ गया। लगा मैं ऊंट बेचन मक्के दी मंडी आया, मक्के दा इक चौधरी है मेरा ऊंट खरीद के लै गया, हुण पैसे नहीं पिया देंदा। उधर बेटी दी शादी दा वेला करीब आ गया। कहन लगा, बड़े बड़े चौधरियां दी सिफारशां डालियां ने, ओ चौधरी किसे दी सुनदा ही नहीं। मेरे आका ने सीने लगा के परमाता से चौधरी दा नाम की है। कहन लगा, सुनया उहदा नाम अमर बिन हिशाम है, लोगी ओनू अबू अल हिकम आखदे ने। मेरे आका नू जलाल आ गया। फरमा, लोग कहंदे होणगे अबू अल हिकम कहंदे होणगे, मैं मुहम्मद ओनू अबू जहल कहना। लोग ओनू अबू अल हिकम कहंदे ने, हिकमत ते दनाई दा बाप। पर मेरे नबी आके की फरमाया, फरमाया ए दाना कोई नहीं, ए ते अबू जहल जहालत दा बाप ते जहलां दा बाप। लोग कहते हैं सियाना ही बड़ा है। हुण तुसी पुछो कि आसी साहब लोगों लई सियाणा ते मेरे नबी नूं जाहिल क्यों आख्या ते अबू जहल क्यों आख्या? असल नाम उहदा अमर बिन हिशाम है। मक्के दा बड़ा फुर्तीला नौजवान सी, पर मेरे नबी ने फरमाया अबू जहल क्यों? सुनिए, एक दिन पहाड़ की चोटी दे उत्ते दो काफिर बैठे, एक सफवान बिन उमैया ते एक अबू सुफयान। अचानक अबू सुफयान ने सफवान को कोनी मार के आख्या, ओ ओ ओ नीचे वेख, पहाड़ी दे नीचे वेख। एक हिरनी पे दौड़दी ओदे ते पीछे भगयाड़ लग्या, भेड़िया लगी। हिरनी डर के हरम काबा च दाखिल हो गई, पर जब हरम की हद शुरू हुई तो बग्याड़ इंज रुक गया जिमें किसी जंजीर पा के रुक गया। अबू सुफयान सफवान को कौन ही मार के कह लगा, ओ नीचे वे कितना सियाना बग्याड़ है, उन्हें पता है वह मन दखल हू का ना आमिना, कि जेड़ा हरम च दाखिल हो जाए वह अमन च आ जाता है, हरम च शिकार मना है। बग्याड़ किड्डा सियाणा, इन्हूं पता है हरम की हद शुरू हो गई तो यह अंदर दाखिल नहीं होया। किड्डा सियाणा बग्याड़ है, इन्हूं हरम की पहचान है। ते भेड़िया मुड़ के ते पहाड़ वल वेख के कहन लगा, मैनू ते जानवर होके हरम की पहचान है, तेनू बंदा होके जे मुहम्मद की पहचान है। पता लग्या सियाणे ओ जिन्हां नूं मुहम्मद की पहचान हो जाए, ते जाहिल ओ जिन्हां नूं कमली वाले की पहचान ही ना हो। यार कुरान ते अरबी सी ना, ते मेरे नबी दा पैगाम ते अरबी सी ना, ते की अबू जहल अरबी नहीं सी आंदे, अबू लहब नु अरबी नहीं सी आंदे, पर ओना नु अरबी होके मुहम्मद दी समझ ना आई, बिलाल नु हबशी होके यार दी समझ आ गई। सियाने हो जिन्हां नु मुहम्मद दी समझ आ जाए।
मेरे नबी ने फरमाया होवेगा लोगों का अबू अल हिकम, मैं उन्होंने अबू जहल कहना, जहलों का बाप है, जहालत का बाप है। मेरे नबी ने फरमाया आ तेरे पैसे मैं लैके देना, तेरे दुख का मदावा मैं करांगा। सैयद आलम ने पेंडू ने पीछे पीछे नाल लगाया, नौजवान मक्के दे नाल लगे ते आ गए अबू जहल दे दरवाजे, दरवाजा खड़काया, अबू जहल अखियां मलदा नींद दे खुमार च बाहर निकलिया। नबी पाक वल वेखे ते कह लगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला किधर आयो, मेरे नबी ने बुलाना पसंद ही नहीं किया। इस तरह करके ना सरकार ने उस पेंडू ने अपनी कंड के पिछों निकाल के ना ते अपने सामने खड़ा किया। सैयद आलम अबू जहल ने वेख के फरमान लगे इहदे कोल ऊंट खरीदे वगैरे वाले हूँ जरा मेरे वाल तवज्जो फरमाया जे। मेरे नबी ने फरमाया इहदे कोल ऊंट खरीदे ते अबू जहल कर दे फरमाया पैसे दिते देने के नहीं। हुण तुसी पुछोगे असी साहब आ की है, आला हज़रत दी ज़बान च आगां ते आला हज़रत फरमांदे ने तेरे आ गईयों है दबेल च, तेरे आ गईयों है दबेल च, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आ गईयों है दबेल च, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मोने जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जिन्हां नूं बड़ा मान सी ना बोलियां ते के मेरे जाते फसाहत ते बलागत वर्गा बोलदा ही कोई नहीं, जदों आया ना मेरा माही अल्लाह फरमा हुण कोई बोले इन कुन तुम थी रही बिमी मा नज़ल्ला अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिसलिही। अल्लाह ने फरमाया कोई इंज दी सूरत ते ले आओ जड़ी बोले ते कुरान दी सूरत बने, कोई ले आओ इंज दी सूरत तू विसूरत मिसले ही ले आओ, कोई इंज दी सूरत जड़ी बोले ते कुरान दी सूरत बने। हुण कोई बोले बोले कोई बोले अबू जहल वर्गे जिन्होंने बड़ा मान सी बोलियां ते साडे वर्गी ते अरबी बोलदा ही कोई नहीं, जदों मेरे नबी बोले ना फिर पत्थर ते बोले पर ओ सियाणे नहीं बोले, सियाने नहीं बोले जिन्होंने बड़ा मान सी बोलियां ते। अल्लाह फरमा हुण कोई बोल के बखाओ तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कौन है दिवाली ने फरमा पैसे देने के नहीं, कहंदे मेरे आका फरमा ले आओ। अबू जहल अंदर जाके पैसे ले आके मेरे नबी दी तली ते रखे, सुनिया जे तली ते रखे, मेरे नबी ने पैसे पकड़ के पेंडू नु दिते। हुण पेंडू नाले पैसे लेई जांदा नाले पड़दा जांदा है ते नाले कहंदा जांदा हौसले माड़े आंदे बतावे पिया आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया हौसले माड़े जी तगड़ियां सिखावे पिया ते नीरगारा च जाके बगावे पिया जिन्हों अरशा ते रब ने बुलावे खिया। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारे हैदरी हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया। ओ जिहड़े खुद साक्षात तगड़े बने सन ना मुआशरे विच चौधरी बने सन, गल सुनाई देवां लाहौर तो चलिए ना जड़ां वाले रोड ते एक बहुत बड़ा नक्शबंदी आस्ताना आउंदा शरकपुर शरीफ, उत्थे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे ने हजरत मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह।
आपके मुरीद ने पूछा हजूर चौधरी किनू कहते हैं? ये लोग नाम ना चौधरी बड़ा लिखते हैं, ये चौधरी की आता है, यदा मतलब की आता है? आपने फरमा पुत्र चौधरी दो होंगे ने हजूर केड़े? फरमा जो कुल मुरब्बी हो चौधरी आता है, जो कुल माल डंगर वल हो, कूटी छोटी गड्डी छड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, नौकर चाकर हो, बेटा चौधरी आता है। तो हजूर दूसरा चौधरी केड़ा आता है? फरमा पुत्र मुरबिया वाला चौधरी मर जाए, चौधर मुक जाती है, मुहम्मद तक कमी बन के मर जाए, कब्र च भी चौधर जोती रहेगी। चौधरी जिन्होंने मेरा नबी बनावे हौसले माड़िया के वधावे पिया, आज जी तगड़िया सिखावे पिया। जरा गौर न, एक दिन ना हजरत बिलाले हबशी गर्मा गर्मी हो गई, अबू ज़र गफारी का फार कबीले दे चौधरी बिलाल हबशी गुलाम, हजरत अबू ज़र गफारी चौधरी सन ना मदीने दे गफार कबीले दे, ते आपने फरमा चुप कर कालिया चुप कर। बिलाल हूं नबी दा लाडला रो पे ते उठ के खलो के कहंदे ने मैं दसना ना नबी पाक नूं मैनूं काला आख्या। बिलाल रोंदे नबी पाक दी बारगाह च आके ना ते रो के दर्द कीती, या रसूल अल्लाह अज हजरत अबू ज़र गफारी मैनूं काला आख्या, मेरे नबी ते तड़प गए। सैयद आलम ने फरमा बुलाओ अबू ज़र गफारी। अबू ज़र गफारी जब आए ना, जब मस्जिद के दरवाजे के सामने आए, नबी पाक बड़े जलाल चाके फरमाए अबू ज़र तेरे बिचो अजे दौरे जा हलिया दियां आकड़ा नहीं गई। हाय हाय यार दे तेवर बदले ना, उधर दुनिया ही जेरो जबर हो गई। हजरत अबू ज़र गफारी की चीख निकल गई, रो के उथे ही खलोते हाथ जोड़ ले, रो के अर्ज करते ने कमली वाले तू तो तेरा रब कर मैनू माफ, ते बिलाल नूं मैं आपे राजी कर लेना। ओ मस्जिद नबी दे दरवाजे दे सामने चौक सी, हजरत अबू ज़र गफारी जाके ना चौक च जमीन ते लेट गए, सारे मदीने दे लोग कोठियां ते चढ़ के वेख रहे। ते हजरत बिलाल हबशी नूं ना आवाज देखी, अबू ज़र गफारी फरमा दे ने बिलाल जरा करीब आ, बिलाल करीब आए ना, ते आप फरमा दे ने इंज करके हाथ जोड़ के फरमा दे ने बिलाल आ जरा मेरे चेहरे दे उत्ते अपना कदम रखी, जरा मेरी आकर टुट जावे। बिलाल ने आके हजरत अबू ज़र गफारी के बाधुआ तो पकड़े चुक के ते सीने ला के इत्थे बोसा दिता, ते चुम के फरमा दे ने ये चेहरा मैं जमीन ते रोलन देना जिहड़ा मेरे माही नूं बड़ा पसंद है। हौसले माड़िया के वधावे पिया, आज जी तगड़िया सिखावे पिया। वाह मदीने दे ताजदारा तेरे किरदार तू सदके जावा। गिरामी कदर हजरात कौन है दे वाली सल्लल्लाह, ए ए ए आकड़ा मेरे नबी पता कि मैं फिर तोड़िया सुनावा। तुसी बोले नहीं तो मैं सुना देना सी, अजे मैं तुहानू चेक पिया करना तुसा तकरीर किवें दी सुननी, फिर मैं उंज दी शुरू करनी। अजे तकरीर शुरू नहीं होई, अजे मैं तुहानू चेक कर रहा, बस तकरीर अजे मैं शुरू करनी है। जिहड़ा मौजू अशफाक साहब ने दिता वह बहुत लंबा मौजू है, मगर मैं इंशाला पूरा सुना के जाना। अजे मैं अपना रांझा राजी करना, फिर मैं तुहाडा रांझा राजी कर देना। एक ना हजरत बिलाले हबशी के बारे किसी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह बिलाल मक्के की गलियों च बड़ा आकड़ आकड़ के चलता है। नबी करीम ने हजरत बिलाले हबशी को पैगाम भेजा, जरा मेरी गल सुन। जो हजरत बिलाले हबशी आए ना, हुन मेरे नबी दे समझावन दा अंदाज अपना सी, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति अल हसना। हजरत बिलाल नु सामने बिठा के मेरे नबी फरमांदे ने बिलाल तैनु मैं कुरान सुनावा। अच्छा हुण कारी अफजल साहब कुरान पढ़न ते इंज लगदा ना जिवें कुरान नाजल हो रहा है। कारी कुरान पढ़े, कोई आलिम कुरान पढ़े, लुत्फ आउंदा है ते जदों कुरान वाला आप पढ़े। मेरे आका पर मैं बिलाल मैं तेनों कुरान सुनावा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सुनाओ ना। उस वेले मेरे नबी एक आयत पढ़ी, आखो सुभान अल्लाह, ते मैं भी पढ़ा फिर। भाई बे मुर्शद चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। ये जनाजा गाए ना जी, जनाजा गाए, इत्थे जनाजे होंदे होवणगे, पर हुण जदों कदे कोई आवे ना उन्हें तो सुभान अल्लाह की आवाज़ आवे तो उन्हें पता लगे जनाजे नहीं, इत्थे मिलाद भी होंदा तो सुनी सुभान अल्लाह कह के जाते। औलाद वाली ने फरमाया भाई बादुर रहमान الذين يمشون على الارض هون واذا كاتبهم الجاهلون قالوا سلام।
वाली ने अल्लाह फरमाया जेडे अल्लाह दे बंदे रहमान दे बंदे ने ओ जमीन ते आकड़ के नहीं चलदे ओ जमीन ते नीवी पा के चलदे ने हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने दा तर्जमा जे फरमाया आ फरमांदे ने इश्क जिन्ना दी ए भाई हटी रचे ओते टुर दे अपनी टुरे ए गैरां दी गल ओ नहीं सुने दे कने ओ ना दे टोरे बिलाल हबशी ने जो आयत सुनी तो मेरे नबी फरमा एक होर सुनावा अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे नबी फरमा अल्लाह फरमाता वला तुम शिफिल अर्दी मराहा जमीन पे अकड़ के ना चलो बिलाले हबशी सारियां आयतां सुन के ना ते हाथ जोड़ के रखी थी गल ते ठीक है पर ए मैनू क्यों समझा रहे हो हुण मेरे नबी फरमा बिलाल सुनया तू मक्के दियां गलियां च आकड़ के टुरना है बिलाल दी ते निकल चीख गई अर्ज की थी जी मैं की आखना या रसूल अल्लाह किथे मैं हबशी गुलाम आजाद करदा किथे मक्के दे चौधरी ते मैं इन्हां गलियां च आकड़ सकना इन्हां गलियां ते मेरी मंडियां च बोलियां लगदियां रहियां वेचदे भी रे खरीदे भी रे मारदे भी रे ते मैं क्यों आखना सुनिया हजूर फरमा जो लोग कहंदे ने बिलाल आकड़ के चल दे उस वेले बिलाल हबशी ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी कमली वाले आओ जे सच्ची पूछना ते मैनू आकड़ा तू दितियां ने अर्ज की थी कमली वाले जदों मक्के दी गली च किसे काफिर नू आकड़ के टुरदा वेखाओ अंदरों तेरे इश्क दी आवाज आउंदी है बिलाल आकड़ ए झूठा हो के आकड़ सकदा है तू सच्चा हो के भी आकड़ सकदा अर्ज की थी या माड़िया नू ते आकड़ा दितियां ही तूने सोणिया गरीबां दा पक्ष करन वाले सानू ते गुलामां नू आकड़ा ही तू दित्तियां ने तो पता चलिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया आ मेरे नबी दा किरदार नौजवानो हुण हजूर जवान होए ना आओ जी हुण मैं तुहाडे अनुमान वाल चलिया सुभान अल्लाह ए कहंदे सन सानू नबी पाक दी अज शादी सुनानी है सुभान अल्लाह ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਰਤ ਤੇ ਤਯਬਾ ਦਾ ਮਜ਼ੂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਮਿਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੇ मां मेरी ते तुहाड़ी सारे ईमान वालिया दी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा मक्के दे अंदर औरत दी कदर कोई नहीं एक बाप दे 11 बेटे ने ते जेड़ा बाप फौत हो जांदा ते वड्डा पुत्र अपनी मां नाल निकाह कर लैंदा मां दी कोई कदर नहीं अरब दे अंदर एक मेला लगदा सी उस मेले दे अंदर शायर अपनी बीवी दी तारीफ च शेर पढ़दा सी ते लोग वाह वाह करदे सन यानी बीवी दी कदर भी कोई नहीं बेटी नू जिंदा दफन कर देंदे ने बहन नू ते पुछदे ही नहीं पर उस दौर दे अंदर जदों लोग अपनियां बीवियां दी तारीफ मजमिया च करके ते वाह वाह समेट देन ना उस दौर दे अंदर मक्के च इक औरत जिन्नू जाहिल आवाम भी ताहिरा कहंदी है पाक औरत पाक और तम्मा खदीजतुल कुबरा दौलत इतनी कि उलमा फरमाते ने कि मक्के दे सारे अमीरां दी दौलत एक पलड़े च रखी जाए ते अम्मा खदीजा दी कल्ली दी दौलत एक पलड़े च रखी जाए ते आप दी कल्ली दी दौलत सब तो ज्यादा गिर
ग्रामी कदर हजरात अम्मा खदीजतुल कुबरा दी शादी हुई जवानी दे अंदर। अल्लाह ने दो पुत्र एक बेटी अता की, शौहर फौत हो गए, दोबारा शादी की, फिर अल्लाह ने बेटी बेटा अता किया, वो शौहर भी फौत हो गए। अम्मा खदीजा फरमा दिया मैं 25 साल की जवानी चो दो मरतबा बेवा हो गई। हुण ख्याल कर लिया कि अल्लाह ने दौलत बड़ी दी है, औलाद भी है, दो मरतबा बेवा भी होगी, हुण मैं शादी नहीं करनी, अपनी औलाद पालन ते कारोबार करा। कारोबार कर दिया रही ते आप तिजारत का कारोबार कर रही, हालांकि आप दी जिंदगी हुण 40 साल गुजर गई। कदे कदे जदों दिल उदास होंदा ते मक्के दे बाहर एक कखां दी कुल्ली है, उस कखां दी कुल्ली च एक नौजवान है जिहदा नाम है वरका बिन नौफल। वरका बिन नौफल वो नौजवान है जिहड़ा हजरत अम्मा खदीजा तुल कुबरा दे चाचे दा बेटा है। वरका ने जदों वेख्या कि मेरी सारी कौम बुत परस्ती कर दी है, वरका ने अपना मक्का छोड़िया ते आओ मक्के ते जाके बाहर एक कखां दी कुल्ली पा ली। कदे तौरात दी तिलावत करदा, कदे जबूर दी करदा, कदे इंजील दी तिलावत करदा, अल्लाह नूं वाहिद इक मनदा। अम्मा खदीजा दा कद कद दिल उदास होंदा ते वरका बिन नौफल कोल जांदियां, उठ के खड़ा हो जांदा है। मक्के दी मलका आई, मेरी बाजी आई, आप उन्हें कह दिया मैनूं को अल्लाह दा कलाम सुना, वो कदे जबूर कदे तौरात कदे इंजील सुना दे। अम्मा खदीजा नूं सुकून मिलदा है। नौजवान अम्मा खदीजा फरमा दिया एक दिन मैं वरका बिन नौफल दे कोल आई, वरका बिन नौफल नूं कह दिया मैनूं अल्लाह दा कोई कलाम सुनाओ। वरका बिन नौफल ने तौरात भी रख ली, जबूर भी रख ली, इंजील भी रख ली। नौजवानों वरका बिन नौफल तिलावत सुना रहे हो, अचानक वरका कहन लगा बाजी खदीजा आज मैं तेने एक अजीब गल सुनावा। अम्मा खदीजा फरमा दिया सुना बे वरका। कहन लगा बाजी खदीजा आ जड़िया समानी किताबा ने इन्हों किताबा के अंदर लिखे आए और दो पहाड़ा के दरम्यान जरा मक्का शहर है, इस मक्के शहर के अंदर एक अल्लाह का आखिरी नबी आवे। आ जड़ी आसम आ जड़ी आसमानी किताबा ने इन किताबा च लिखे कि इस मक्के के अंदर को अल्लाह का नबी आवेगा। पढ़ा कुरान कि उन्होंने किताबा च लिखे को नबी आवेगा। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीन यत्तबियून अर-रसूल अन्नबील उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। अल्लाह फरमांदा ए ओही कमली वाला आया जिहदा जिक्र इस तो पहले तौरात च भी सी ते इंजील च भी सी। वरका कह लगा तौरात इंजील ते ज़बूर च लिखे सब मक्के शहर च एक नबी आवेगा। अम्मा खदीजा ने पहली बार अपने कन्ना च जदों ये लफ्ज़ सुनिया ना कोई नबी आवेगा, फरमा दिया मैं उठ के घर आई, अद्धी रात तक मैं सोचती रही मक्के च कोई नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमा दिया कि अद्धी रातों रात ढली ते मेरी अख लग गई। आ फरमा दिया मैं अपने ख्वाब च वेखनी हां आसमान दा सूरज टुट के मेरी गोदी दे अंदर आ गया। फरमा दिया मैं वेखनी हां सूरज दी लो मशरक च भी जांदी है, मगरिब च भी जांदी है। अम्मा खदीजा फरमा दिया मेरी अख खुल गई, सारी रात मैं तारे गिनदिया गुजार दीती, सुबह हुई अम्मा खदीजा उठ के बरका बिन नौफल कोले आ गई। फरमा दिया बे बरका अज रात मैं बड़ा अजीब ख्वाब देखे आए, आसमान दा सूरज टुट के मेरी गोदी च आ गया है, ते लोवा मशरिक च भी जा रही हां मगरिब च भी जा रही हां। बरका बिन नौफल ने पुरानी किताबा खोल लिया, कदे किताबा दे वरके वेखदा कदे अम्मा खदीजा दा चेहरा वेखदा है। कहन लगा बाजी खदीजा आओ याद कर मैं तेनू दसदा रहा इस मक्के च कल्ला दा नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमा दिया मैनू याद पर कहन लगा बाजी खदीजा तेरे ख्वाब दी तवीर है, एक दिन बेड़ा तेरा आवेगा गोदी तेरी आवेगी, बेचो रब दा नबी आवेगा ते लोवा मशरिक च भी जानगियां मगरिब च भी जानगियां। तकबीर नारा रिसालत
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सरकार की आमद। जिन्हें समझ आ रही हो बोले सुभान अल्लाह। हुण मैं चलिया इश्क दी वादी विच। अम्मा खदीजा ना बड़ी हैरानगी नाल वरका बिन नौफल वल वेख के फरमान लगी, आ आ आ, आ की गल पिया करना है, तेनू पता है मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मेरी जिंदगी च को मर्द आना है। वरका बिन नौफल कह लगा, बाजी खदीजा तेरे ख्वाब की तबीर ते आ ही बन दी है। हुण पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो सकता किसी नौजवान के ज़हन च ख्याल आवे, आसी साहब अम्मा खदीजा के ख्वाब च सूरज वेख्या सी, ते वरका बिन नौफल ने आख्या नबी आवेगा, एक ही तौजीह हुई। पढ़ा कुरान, सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। साउंड वाले ने भी तुसा डरा छड़िया कि भाई समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने बंद कर छड़िया। कई बेली होंगे ना भाई, मियां साहब ने फरमाया, मर मर एक बनावन शीशा ते मार वट्टा एक भन दे, दुनिया उत्ते थोड़े बंदे कदर शनास सुखन दे। तवज्जो फरमा, ये सूरज केड़ा है, सुनिए कुरान। अल्लाह ने रिजा फरमाया, अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا। अल्लाह फरमांदा कमली वाले सा तेन चमकन ते चमकान वाला सूरज बना के भेजे। मियां मुहम्मद बख्श ने बड़ा मिठा जहा तर्जमा फरमाया, आरबे घड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, सूरज वांग सूरज वांग नूरानी मथा नजर न कीती जावे, जे पत्थर दिल वाला तके ते अखी पानी। सहाबा फरमाते ने, अनशम्स तजरीफी वजह ही, सहाबा फरमाते ने जेड़ा नबी पाक दा चेहरा वेखदा सी उन्हूं इंज लगदा सी जिवें सूरज मुहम्मद दे चेहरे दे विच चमकदा है। ये ओ सूरज, एक वे आसमान दा सूरज, एक नबूवत दा सूरज, पर फर्क पता की है? ओए ते बेशुमार फर्क ने, पर एक अर्ज कर देवां, अज सुबह सूरज चढ़ना ना, रात नो असी सारे आवाजा मारीए ते आंदा ओ बोलो मोतिया नहीं सरकार, रात नो सूरज नहीं आंदा, पर कमली वाला ओ नबूवत दा सूरज दिने भी चमकदा है। पर आ जेड़ा दुनिया दा सूरज ना, इस जमीन दे उत्ते उत्ते चानन करदा है। मेरा नबी ओ नबूवत दा सूरज है, गुलाम जमीन दे थले कबर च भी आवाज मारे उत्थे भी आ जाता है, मेरा नबी ओ सूरज। अम्मा खदीजा तुल कुबरा ने जो ख्वाब वेख्या ते घर आके फरमा दिया, मैं परेशान हो गई। आप फरमा दिया कि मैं घर रात नो आके लेटी ना, ते मैं मक्के दे एक एक चौधरी ते एक एक ताजर नो अपने जहन ते सोच दे वजन ते तोल के वेख्या कि कोई है जेड़ा मेरी ख्वाब दे मयार ते पूरा उतरे। फरमा दी मक्के च कोई मेरे मयार ते पूरा ना उतरिया, मैं सोची पै गई कौन जेड़ा मेरी जिंदगी चावेगा। तवाफ किया औरतां वल वेख के कहन लगा, ए मक्के दी मुअज्ज़ज़ औरतों याद रखियो, साडे यहूदियां दी किताबां च लिखिया है कि तुहाडे मक्के इक अल्लाह दा नबी आउण वाला है, ते जे उह नबी आ गया ते तुहाडे च किसे मुअज्ज़ज़ खातून नूं निकाह दा पैगाम भेजे ते इनकार ना करे। मोमिना दी मां बननी है,
अम्मा खदीजा फरमांदियां जिहड़ियां नौजवान बच्चियां सन छोटे छोटे पत्थर लैके वह यहूदी नूं मारन लग पिया कि इहनूं हया नहीं आउंदी कवारियां बच्चियां विच आ के इंज दी गल कर रहे आ फरमांदियां उहनूं पत्थर पिया मारन ते मैनूं खा पिया याद आवे अम्मा खदीजा फरमांदियां मैं घर आ गई कातिले तकदीर ने देखो इंतजाम कैसे किए अम्मा खदीजा दे भाई दी शादी हो गई ते शादी किदे नाल होई मेरे नबी दी फुफो हजरत सफिया दे नाल ओ सफिया मिलाद शरीफ दा महीना ना 12 रबीउल अव्वल जो कमली वाले मां दी गोदी विच आए ते कमरे च जेड़ी पहली औरत आई ना वो हजरत सफिया सी फुफो सफिया फरमा दिया मैं कमरे च आके वेख्या दीवा पिया बलदा ते दीवे दी लो नजर ही ना आवे जिधर वेखनी चानन मुहम्मद ही नजर आ रहा है ओ सफिया जिन्हें पहली बार नबी पाक नू गोदी च उठाया मेरे नबी नू पालिया फुफिया ते अज भी भतीजिया नाल बड़ा प्यार कर दिया ने पर कायनात च उंज दी फुफो कोई नहीं ते मुहम्मद वर्गा भतीजा कोई नहीं उस फुफो ने बड़े चावा नाल मेरे नबी नू पालिया सी प्यार बड़ा सी नबी पाक दा अपनी फुफो हजरत सफिया दे नाल इधर हजरत सफिया की शादी हो गई अम्मा खदीजा दे भाई दे नाल जद भी कदे भाभी ते नानक कठिया बहना ना ते जो किसी का आशिक होवे गल उसे दी करदा जदों भी अम्मा खदीजा ते हजरत सफिया ने भाभी ते नंद ने कठिया बैठना ना ते हजरत सफिया पता की कहना फरमाना खदीजा मेरा एक भतीजा है ते कोई सोना कोई ओ सुन ते नाम ओदा मुहम्मद पहली बार जद कमली वाले दा नाम आ खदीजा दे कन्ना च पिया ते आ फरमा दिया मैनू अजीब जी लज्जत आई किड्डा सोहना नाम है किन्ना सोहना नाम है ते हजरत सफिया फरमा दिया पर लोग ओनू मुहम्मद नहीं कहंदे अम्मा खदीजा फरमा दिया की कहंदे ने ते सफिया बोल के फरमा दिया मक्के दे लोग ओनू सादिक ते अमीन कह के बुलांदे ने सादिक दा माने सच्चा ते अमीन दा माने अमानतदार भाई अशफाक ने मैनूं मौजूद ते दे छड्या पर तुसीं कदे मेरे ते रहण दिंदे ते मैं मौजूद तुहाडे पिंड वाला सुनाणा सी हुण मैं तुहानूं ओह सुना रहा जिहड़ा भाई अशफाक ने मेरी जिम्मेदारी लगाई मगर मैं इंशाला इहनूं निभा के जाणा भाई सादिक दा माने सच्चा अमीन दा माने अमानतदार मेरा तेरा नबी ओह सादिक ते सच्चा है कि जड़ा नाल लग जावे कोई सिद्दीक बन जांदा है कोई सिद्दीका बन जांदी है ते अमीन ऐसा कि रब दे पूरे मक्के च एक अमीन वसदा है ते उस अमीन नाल रब नूं इन्ना प्यार है कि अल्लाह ने कुरान च फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन अल्लाह फरमांदा मैनू इस अमीन शहर की कसम है अल्लाह दे मक्के च एक अमीन वसदा है पर उस अमीन ने रब नूं इन्ना प्यार है कि रब ने पूरे मक्के शहर का ना ही अमीन रख दिया अल्लाह फरमांदा वहादल बलदिल अमीन मैनू इस अमीन शहर की कसम है ऐसा अमानतदार मेरा नबी कारी अफजल साहब शाह जी किबला याद है हिजरत दी राह जदों अबू जाल एंड पार्टी मेरे नबी दे घर दा मुआसरा करके नंगियां तलवारां लैके खड़े ते अंदर मौला अली नूं मेरे नबी फरमा रहे अली मैं मदीने चलिया ते ओ ओ ओ थैला रखे ओ थैला इहदे च ना काफिरां दीआं अमानतां ने ते सवेरे इहनां दीआं अमानतां दे के ते मेरे पिछे मदीने आ जाई सुन के ते खुश हो जाओ उस नबी दे नौकर हां काफिर नगियां तलवारां लैके कतल भी उसे नबी नूं करन आए ने ते अमानतां भी उसे नबी दे घर ही रखी ते कहंदे ने दुश्मनी अपनी जगह है ते अमानतदार है ये ओ अमीन है मेरा नबी हजरत सफिया ने आख्या मेरा भतीजा सादिक ते अमीन है नौजवान वेला गुजरदा जा रहा मां खदीजा फरमांदियां ने चंद दिन दे बाहों ते मक्के दा तिजारत दा काफिला मुल्के शाम वल जा रहा अम्मा खदीजा बड़िया परेशान बैठी हजरत सफिया आके फरमा दिया खदीजा क्यों परेशान है अम्मा खदीजा फरमा दिया ने अज मेरा भी को पुत्र जवान आंदा वो मेरे सिर का साई भी आंदा मेरा काफिले का साई
समान मुल्के शाम जा रहा है, कोई मेरा सौदा भी बेच के आंदा, मैं लोगों तनखावा दे के सौदा भी बेचनी आऊ, ना कोई सादिक मिल जाए ना कोई अमीन मिल जाए। अम्मा खदीजा नु हजरत सफिया फरमान लगी, खदीजा जे आखे देख सादिक ते अमीन नु मैं भी जाननी हूं। अम्मा खदीजा फरमा दिया कौन है, हजरत सफिया फरमा दिया याद कर, मैं तेनों दस दी रही हूं मेरा एक भतीजा मुहम्मद है, उन्हों दुनिया सादिक ते अमीन कहती है, जे आखे ते मैं उन्हों बुलावा तेरा सौदा बेच आवे। नौ जवान अम्मा खदीजा दिल घबरा ने, मेरे नबी नु पैगाम भजिया जरा मेरे महल में आया जे, इधरों मेरे नबी टुर पे। उधर अम्मा खदीजा दी गजली जिदा नाम है नफीसा, अम्मा खदीजा ने नफीसा नु बुला लिया, एक बारीक जिहा पर्दा दरमियान च लटका लिया, और सामने दरवाजे च मेरे नबी ने आना है। अम्मा खदीजा फरमादिया ने, मैं ते नफीसा पर्दे दे पीछे बैठ गई हूं। जदों दरवाजा खुलिया कमली वाली अंदर आए, अम्मा खदीजा फरमादिया पहली निगाह मुहम्मद चेहरे ते पई, ते मैनू इंज लगे जिवें ख्वाब वाला सूरज पिया, इंज लगे जिवें ख्वाब वाला सूरज। भाई अफजल कादरी ने मेरे कान च आख्या, ओ तुसा परसों एक शेर पढ़िया सी, अज वो भी पढ़ दियो, हुण मौका आया पढ़ देवां। थोड़ा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, ते हाथ ते चुकने नहीं, मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। कैमरे गिलो किने, एक दो तीन ते चार कैमरे ते मोबाइल वखरे, ये मैं जे घर नहीं जाना, तो इन्होंने मेरी तकरीर यूट्यूब ते सोशल मीडिया ते अपलोड कर देनी, तो तुहानू पूरी दुनिया वेखना, तो उन्हें सारे लोग पूरे पाकिस्तान दे आखना कि असी साहब साढ़े इलाके च इन्नी सुबहान अल्लाह करवाते हो, तो अपने शहर वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। रौंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह, या अल्लाह जिहड़ा उच्चा सुबहान अल्लाह बोले, अज तो बाद अपनी अम्मी नू अम्मी जी ते अबू नू अबू जी कह के बुलावे करे। हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले, पांच वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जाओ, जिहड़ा इस तो उच्चा बोले, उहदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह ही माफ फरमा दे। इंज बोलो सुबहान अल्लाह। अम्मा खदीजा फरमा दिया, जद कमली वाले आए ते मैं वेख्या, ते वेखनी किया इक माह मदन गोरा सबदन नीची नजर कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा सबदन नीची नजर कुल की खबरें, इक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखाओ के फबल वो सुनाओ के सुखन, मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। ते जे आखो ते एक तर्जमा हजरत मियां मुहम्मद बख्श को ना करवाइए, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ पावे दी लोरी ते पाले चुप रवे, ते जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पाले ओ बोले सुभान अल्लाह। आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने, काले कुंडल ज़ुल्फ़े महीं चले उन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद, लुट खड़े आ दिल मेरा। अब कह दिया सोना आया ते मेरा दिल ते हो गया, हजूर आके पर्दे दे उस तरफ ते अम्मा खदीजा इस तरफ बैठी है, आप फरमा दिया सोना बैठा ते इंज लगे जिवें ओ ख्वाब वाला सूरज, सूरज वांग नूरानी मत्था ते नजर ना कीती जावे। गल जद टुरी ना अम्मा खदीजा दी, गल हजरत सफिया करवा रही हजूर नाल, ते अम्मा खदीजा कहंदी मेरा माल तिजारत मुल्के शाम बेचन जाना है,
हजूर ने फरमाया खदीजा ईमानदारी ना बेच के आवांगे। अम्मा खदीजा फरमा दिया किन्नी तनख्वाह लोगे? मेरे नबी दी हाशमी रग फड़क गई। हजूर दा खानदानी पेशा तिजारत सी, मेरे नबी दे दादा चाचा ताए सारे बड़े बड़े अरब दे ताजिर सन। गिरामी कदर हजरात अम्मा खदीजा दे लबा चो निकल गए तनख्वाह किन्नी लोगे? लैंदे वाली फरमान लगे फरमाया खदीजा सी तेनू को तनख्वाह लैन वाले लगने हो। अम्मा खदीजा भी उठ के खड़ी होगी, मेरे आका भी उठ के खड़े हो गए। फरमाया खदीजा मैं चलना। अम्मा खदीजा हाथ जोड़ के खड़िया हो गई, कह लगी सोने तुसी किवें राजी हो? फरमाया खदीजा समा होना तेरा मैं बेच के आवांगा, जेड़ा मुनाफा हो जाए अद्धा तो अद्धा अद्धा साडा। अम्मा खदीजा हाथ जोड़ के कहती है सोने जिथे दिलों के सौदे हो जा उठे माला दे सौदे नहीं करी। सौदे ही दिला दे हो जा यार। फरमाया खदीजा समान मैं तेरा बेच के आवांगा, ते जितना मुनाफा हो जाए अद्धा तुहाडा अद्धा साडा। अम्मा खदीजा कहंदी है सानू कबूल है। लो भाई नौजवानों जदों काफिले दे जान दा वेला आया ना, मेरे नबी आका अलैहि सलातो सलाम दी 25 साल दी जवानी पकीदा, नबी करीम दी फूफियां चाचे ताए अज पहली बार मेरे नबी तिजारत करने वास्ते मक्के तो बाहर जा रहे, सारे विद्या करन आए। ते अम्मा खदीजा दे कंडौकर सी जिदा नाम सी मैसरा, मैसरा नू ओ पिछले कमरे च अम्मा खदीजा लै गया ते बिठा के फरमा दिया मैसरा हर साल मेरा सामान तू बेचन जाना है, ते तू जाना है मालिक बन के, इस साल भी जाना है पर इस साल तो मालिक बन के नहीं जाना, नौकर बन के जाना। मैसरा उठ के खड़ा हो गया ते कहने लगा खदीजा मैं तेरा गुलाम हाँ, मैं किसी की गुलामी नहीं करनी, मैनू कि गुलाम बनाव लगी है? खिड़की खोल के ना ते अम्मा खदीजा फरमा दिया इधर आ, नबी पाक वाले इशारा करके कह दिया तू ओ मुहम्मद का गुलाम बन के जाना है। मैसरा की निगाह जदों कमली वाले के चेहरे पर पई तो कहता खदीजा जे इस सोने का गुलाम बन के जाना है ना फिर तेनों कह की लड़ कोई नहीं, इनू वेख के गुलामी करने जी प्या कर, मैं तो गुलाम बन के जामन ले तैयार हाँ। अम्मा खदीजा फरमा दिया तेन मैं तनख्वाह डबल देवगी, इस बार मेरा एक कम करके आ। कहन लगा कि फरमाया इंज करी कि पूरे सफर दे अंदर मुहम्मद दे नाल रहे, ते इंज नाल रहने कि उंज मुहम्मद दा साया कोई नहीं पर साया बन के नाल नाल रमी, ते ड्यूटी तेरी नहीं मुहम्मद दा किरदार वेखना पूरे सफर च किवें दा, जो देखे वो याद रखी तो मैनू आके सुना देवी आज तेरी ड्यूटी है। क्योंकि आ जे मेरे दाएं बाएं सियाने लोग बैठे ना जे बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने एक कहते ने किसी को आजमाना हो ना चेक करना हो बंदा किवें दा उहदे नाल सफर करके देखो, सफर इंसान की हकीकत खुल के सामने आ जाती है। बुजुर्ग फरमाते ने अगर किसी बंदे ने जांचना होवे उहदा किरदार कैसा है असली किरदार उहनू गुस्से की हालत च वेखो। बुजुर्ग फरमाते ने किसी ने जांचना होवे ते उहदे नाल इतना वक्त गुजारो कि एक बोरी दाणियां दी उहदा आटा बना के ते जितनी देर च वह आटा खत्म होंदा है उतनी देर किसी इंसान नाल गुजारो, तुहानू उस इंसान की हकीकत का पता लग जाएगा। अम्मा खदीजा फरमान लगी मक्के तू शाम तक जाना है, शाम तू सामान बेच के मुल्क के मक्का वापस आना है, इन्नी देर तो मुहम्मद के नाल गुजारी तेनों आप ही पता लग जाएगा मुहम्मद का किरदार किवें दा। मैसरा कहन लगा मैं तैयार हाँ। नौजवान उधर मेरे आका सलातो सलाम काफिले के अंदर आए, मैं किताबा पढ़िया कि वह काफिला बहुत बड़ा काफिला होता सी, सालाना काफिला मक्के तो शाम जाता है, उहदे च अबू जहल अबू लहब उतबा उतैबा शैबा अखनस बिन शरीक उमैया बिन खलफ वड्डे वड्डे सरदारां दा समान आता है, तो सब का समान एक पास है, अम्मा खदीजा दा कली दा समान एक पास है। जब आए सारे अपनी अपनी सवारियां ते बैठे मेरे कमली वाले टुरन लगे ना
नबी करीम दी फुफियां भी रो रही, सरकार दे चाचे भी रो रहे, ताए भी रो रहे। अज पहली बार मेरे नबी मक्के तू तिजारत ले जा रहे, किसे नु मेरे नबी दी अम्मी दी याद आ रही, किसे नु सरकार दे अबू जी याद आ रहे। अज अब्दुल्ला दे आमिना जिंदा आंदे, मोहम्मदी जवानी वे के खुशे आंदे। अज मोहम्मद नु कारोबार करन चलिया मोह विद्या कर दी। अज मापिया दी याद आईया, मेरे नबी भी रो रहे, सरकार दे खून दौन वाले भी रो रहे। मियां साहब फरमा दे ने दुनिया डा असिया माड़े डर दे उफ नहीं कर दे, तुर जाओन महबूब जिना दे उन्ना जूं दे तेना मर दे। परमा देने आदरदार हुन खाली खाने कर विच दखल मकाना, महबूबान विद्या करें दें मुश्किल पचतिया जाना। भाई महबूबा नू विद्या करें दिया मुश्किल बचदिया जाना है। जब महबूबा नू विद्या करना होवे ना ते बस ते बिठान जाइए ते पता की करीदा, चलो अगली बस ते टुर जायो है। महबूबा नू विद्या करन नू जी नहीं करदा, महबूबा नू विद्या करें दिया मुश्किल बचदिया जाना। अम्मा खदीजा ओ महल दी ऊपर वाली छत टुर गया, मेरे नबी टुरे, काफिला टुरिया, काफिला की टुरिया। अम्मा खदीजा फरमा दिया मैनू तो पहले दिन ही मुहम्मद दी उड़ीकां लग गईयां, सोने कदों वापस आना। नौजवान काफिला टुरिया, थोड़ी देर मक्के तो बाहर निकले ना। मैं इख्तिसार नाल अर्ज करा, मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी शबाहतुन नबूवा च फरमा दे, थोड़ा जा काफिला मक्के तो बाहर गया, अचानक काफिला रुक गया। नबी करीम ने मैसूरा नु बुलाया, फरमाया काफिला क्यों रुकी है? कहन लगा जी दो ऊंट बीमार हो गए, टुरदे नहीं। काफिला अगे अगे ते ऊंट पीछे पीछे रहते ने, इस वास्ते रोके ना ऊंट बीमार हो गए। नबी करीम ने फरमाया मैसूरा या ऊंट मेरे को ले आ ते या मैनू ऊंटा को ले जा। कहन लगा जी ऊंटा तू ते उठा नहीं जांदा, तुहानू ही जाना पैणा, मेरे नबी ऊंटा दे वाड़े विच आए। फरमाया कड़े ऊंटों ने आखे जी आ दो ऊंट नहीं चलते। इस तरह करके यदुल्ला वाला हाथ मेरे नबी ऊंटा की कंड ते फेरिया, ते बागरा वाले उदे हाथ रब अपने हाथ आखे होवे काफिर जेड़ा वाखे आखे। जो हाथ मेरे नबी फेरे ना ते मैसरा कंदा मैं हैरान रह गया, अगे काफिला अगे सी ऊंट पिछे हाथ मुहम्मद दे लागे ते ऊंट अगे अगे ते काफिला। आ गल जो वेखी ते मैसरा कहंदा मैं अपने ज़हन च बिठा ली कि जाके खदीजा नू आ गल सुनावा। तुरिया काफिला, मैसरा कहंदा मैं मुहम्मद दे नाल नाल पे टुरा ते मैं वेखिया कि मुहम्मद दा ते साया कोई नहीं, मुहम्मद दा साया कोई नहीं। इत्थे बाज़ बेली कहंदे ने ए ए ए किवें हो सकदा जी इंसान दा साया ना होवे। ये तो मैं बड़े मुदल्लल दलाय रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अर्ज करा, असल च बदल मेरे नबी ते एक ते साया करके टुरदे सन, सरकार रुकदे ने ते बदल रुकदे ने, सरकार टुरदे ने ते बदल। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया बदलना अलैकुमुल गमामा, अल्लाह फरमा बनी इसराइल बेवफा कौम ते बदल साया करदे सन, ते जे बेवफा बनी इसराइल ते यहूदियां उते बदल साया कर सकदे ने ते रब दे महबूब ते नहीं कर सकदे। कदे गौर किया जे रोशनी सामने हो साया पिछे आ, जे रोशनी पिछे हो साया अगे आ। अल्लाह ने फरमा सोनिया तेनू असा साया ही नहीं देना, या अल्लाह क्यों? फरमा सोनिया तेरा साया भी तेरे अगे टुरे तेरे रब तू बर्दाश्त नहीं होना। इंसान जितना भी गोरा हो साया उहदा काला ही होंदा है ना, साया साया काला होंदा, जुल्मत अंधेरा है साया।
ते मेरा नबी नूर है, ते नूर दा साया नहीं आउंदा। सामने लाइट लगी, इदी रोशनी है, साया सूरज दा साया कदे वेख्या जे, चन्न दा, सितारियां दा नहीं। पता लग्या जिहड़ा नूर होवे ना मैं हाथ हिलावा ते मेरा साया भी हाथ हिलांदा, जे मैं सख्त हो जावा ते साया भी ठहर गया, जे मैं हिला ते मेरा साया। पता लग्या साया इंसान दी मिसल होंदा है। रब दी गैरत ने बर्दाश्त ना किया, फरमाया तू है ही बेमिसल साया नहीं। ते हजरत उस्मान गनी ते इत्थे तक फरमा के आप फरमा देने अल्लाह ने सारियां नूं साया दुनिया ते दे दिता है। फरमाया कमली वाले तेनू कयामत नूं देवांगा जदों कोई साया ना होवे तेरे गुलामां ते तेरा ही साया करके माफ कर। जे मैं साये ते गुफ्तगू की ते वक्त दरकार है, फिर लंबी गल हो जानी है। एक प्रीत की गल सुनावा, चलो नहीं बोले फिर कदे साई। अख विच नूर बोलो, किसी आई स्पेशलिस्ट को बाबा जी चले जाते, कहते बाबा जी घर जाओ ऑपरेशन नहीं होना क्योंकि अख विच नूर नहीं रहा। पता लगे अख विच नूर होंदा है, अख दा नूर इतना लतीफ नूर है कि ऐ मैं चश्मा लगाए ते अख दा नूर इतना लतीफ है कि इस चश्मे दे विचू शीशे दे विचू गुजर गया ते सब कुछ देख रहा, ते शीशा टुटा भी नहीं। पता लग्या अख दा नूर इतना लतीफ है कि शीशे दे विचू गुजर गया, शीशा तोड़िया भी नहीं। मेरा नबी भी नूर है। सूरज दी छुआवां जदों मेरे नबी ते पैंदियां ने ते मेरा नबी इतना लतीफ है कि सूरज दी छुआवां विचों गुजर जांदियां, साया बणदा ही नहीं। सुभान अल्लाह, साये नहीं बणदा मेरे नबी। इहदे ते दलाल देवां ते फिर वक्त दरकार है, आओ मुड़ वापस चलीए। मैसरा कहिंदा मैं वेख्या मुहम्मद दा ते साया ही नहीं, मेरे नबी टुरदे ने ते बदल नाल टुरदे ने, हजूर रुकदे ने ते बदल रुक जांदे ने। सुभान अल्लाह। मैसरा कहता मैं ख्याल आया कि आ गल भी जाके खदीजा नूं सुनावांगा। दो गल्लां हो गईयां। आओ नौजवानों, अगे एक इलाका आया जिहदा नाम है बसरा शहर। उस बसरा शहर के बाद एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के किनारे ते कि ईसाइयां दा गिरजा है। उस ईसाइयां दे गिरजे च एक पादरी है जिहदा नाम है बहुत बड़ा अरब दा बुहेरा राहब, और बाद ने नस्तूरा राहब उहदा नाम लिखिया। नौजवानों दरमियान एक पिस्ते दा दरख्त है, काफिला आके उस पिस्ते दे दरख्त दे साए दे नीचे बैठ गया। मेरे नबी उस दरख्त दे नाल टेक लगा के बैठ गए। ओ पादरी अपने गिरजे जो बाहर आया, मैसरा दे करीब आके कहन लगा सोना जे कौन है। मैसरा कहन लगा ते बाद च दसांगा, पहले तू दस तू काफिले गुजरदे ने, तू ते कदे किसे नूं पानी नहीं पुछिया, हाल नहीं पुछिया, अज अपनी इबादत खाने च बाहर किवें आया। कहन लगा मैं सोने वास्ते आया। दसरा कहन लगा की लैन आया। कहन लगा मैं दी उड़ी कहीं करदा रहे हूं। कह लगा मैं सराहूं साड़ियां किताबां दे अंदर लिखे आए, ये जड़ा दरख्त ना टेक लगा के बैठा है, ये अल्लाह दा आखरी नबी है। लोग समझदे ने मैं इत्थे इबादत करदा रहा हूं। कह लगा इबादत दा ते बहाना है, मैं ते मुहम्मद दी राज कुली पा के बैठा रहा। मैं ते मुहम्मद दी राज कुली पा के बैठा रहा। कह लगा आ आ आ जेड़ा दरख्त दे साथ थले बैठा ए आखरी नबी है। इहदे ते गल फैलावा वक्त दरकार है, फिर कदे सही। मेरे नबी गुजर गए, मुल्क शाम आ गए। मैसरा कहता कि असी मुल्क शाम की मंडी में आए, तो सुबह सुबह अपनी दुकाना पे सजाने हाँ। कहता अगे दुकाना सजाते स, फिर मुनादी कराते स, फिर गाहक आते स। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਜਾਨੇ ਆ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਲਗਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਇਧਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
कहता बाकी दुकानदार जे फारग बैठे तो मेरी दुकान से कितारा गाखा दियाँ लग गई। कहता मैं धड़ा धड़ समान पे बेचना, हजूर करीब खड़े, हजूर करीब खड़े। मौलाना जामी फरमाते ने कितारा लग गई। मैसरा कहता मैं एक गल तो होर हैरान हाँ कि अगे मैं समान बेचता सा तो लोग बार गिनिंग करते सन, सौदा करते सन, इन्हें का नहीं इन्हें का लेना, इन्हें का नहीं इन्हें। अज मैं जी कीमत मंगना लोग मूँह महंगी कीमत दे के जा रहे। मैसरा कहता मैं थोड़ी जी कीमत बता के वेख्या, लोग कीमत वधी भी खरीदी जा रहे, कोई बोलता ही नहीं। कहता मैं कीमत डबल कर दतियाँ, लोग डबल कीमत से सारा समान खरीदी जा रहे। तो मैनू ख्याल आया मैं बड़ा बड़ा ताजिर हो गया, डबल कीमत से समान बेच रहा तो लोग खरीदी जा रहे। पर जो हुई ना दोपहर तो मेरे नबी अंदर खेमे च आराम कर गए, तो मैसरा कहता हजूर की गए सारे ही गए। कहता बाकी दुकानदार भी फारग बैठे थे, मैं भी फारग ही बैठा। मैं सोची पै गया कि ये गाह किधर गए। अचानक मैसरा कहता कि मुल्क शाम का एक बाबा वडेरा टुरिया टुरिया मेरी दुकान पर आया, एक कंबल पसंद करके ना। तो कह लगा मैसरा एक कंबल कितने दे। मैसरा कहता मेरी सुबह की आदत बिगड़ी तो मैं डबल कीमत दसी। तो बाबे ने घोरी पा के बड़े गुस्से ना मेरे वल वेख्या, तो कहता तुसी मक्की बड़े महंगे नहीं हो गए। मैसरा कहता मैं ख्याल किया सुबह का तो बोलिया कोई नहीं, ये क्यों बोलिया। मैसरा कहता बाबा जी सौदा लेना तो लवो, मैं डबल कीमत पर बेचना इतने दी। बाबे ने गुस्सा आ गया, गर्मा गर्मी मैसरा तो बाबे की हो गई। तो बाबा कह लगा मैं सुने तू मक्के तू आना है, तो तेरे मक्के च एक रब का घर काबा है, उस काबे च 360 बुत ने, तो उत्थे एक वड्डा खुदा ते बुत है जिहदा नाम है होबुल, पीतल का बड़ा वड्डा बुत सी, सब तो वड्डा खुदा मक्के वाले का। कह लगा जे तू कंबल की कसम उठावे कि वह होबुल की कसम है, एक कंबल इतने का है तो मैं इतने का खरीद लैना, उठा होबुल की कसम, उस बुत की कसम उठा। इधर बाबे दे लबा जितने अल्फाज निकले तो अंदर कमली वाले दे कन्ना विच अल्फाज पै गए। कालियां दे वाली बड़े जलाओं दे नाल खेमे जुबा रहे, बाहर आके फरमान लगे पापा सौदा खरीदना है, खरीद नहीं खरीदना ना खरीद, असा कदे झूठे रबा दियां कसमां नहीं चुकियां। बाबे दी निगाह उठी मुहम्मद दे चेहरे ते पई, ते बाबे दियां अखां दे अथरू आ गए, हाथ जोड़ के कहन लगा सोनिया गुस्सा ना कर, जिवें आखेगा उवें कर लवां। मैसरा कहंदा बाबा डबल कीमत कंबल खरीद के लै गया, मैनू फिर समझ आई मैं वड्डा ताजर नहीं बनिया। आ सवेर दा माल नहीं पिया वेखदा, मुहम्मद दा जमाल पिया वेखदा। इत्थे लोग हुसने मुहम्मद वेखण दे बहाने सौदे खरीदी जा रहे। वजह सी कि जेड़ा पहला मेरे अम्मा नबी अम्मा खदीजा दा समान वेचण वास्ते गए, उत्थे कई गुना डबल मुनाफा होया सी, क्योंकि इत्थे माल नहीं विकया मुहम्मद दा जमाल विकया। बाकी सारे मक्के दे ताजर अजे वेले बैठे, ते मैसरा कहंदा मेरा सारा सौदा विक भी गया, ते वापसी दियां तैयारियां शुरू। मैसरा ने मक्के पैगाम भेजा अम्मा खदीजा नूं कि असीं वापस आ रहे। अम्मा खदीजा फरमांदी है मैं घबरा गई, एडी जल्दी वापस किवें आ रहे। ते रोज ओ महल दी उपर वाली छत ते टुर जांदी है, ते अम्मा खदीजा उस राह वल वेखदी है जिहड़ा राह मक्के वाला आंदा है। सुभान अल्लाह, जिन्हों किसी की उड़ीक होवे ना, किसी की सिख होवे तांग होवे, कभी गौर किया जे वो नीवी जगह खलो के उड़ीक नहीं करते, उड़ीकों वाले उच्चिया जगह पर खलो के उड़ीक करते, तसली फिर भी नहीं आती। वो उच्चिया जगह पर खलो के ना, तो अड्डिया चुक के पब्बा पार उच्चे हो के माही दिया रावं वेखते हैं, जिन्होंने उड़ीक होवे उड़ीक होवे। गुजरात जाइए ना तो उत्थे एक दरबार है बाबा कावां वाली सरकार, असल नाम है हजरत बाबा करमदीन सरकार अलमारू बाबा खावा वाली। आज भी चले जाओ ते बाबे दे दरबार ते इतने कव्वे नजर आने के तो इतने कव्वे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होती है। ते आप फरमाते ने मैं कव्या नाल प्यार करना कि मेरे बनेरे ते हर वेले कां बैठे रहन, और किसी दिन मेरे बनेरे वह भी कां आके बह जाए जिन्हें मुहम्मद की ज्यारत की हो। वाह उड़ीकों वाले थोड़ी अजमत तो सदके, जिन्होंने उड़ीकों वाही दी उन्होंने अंदाज ही नहीं डाले होंगे ने। मियाँ मुहम्मद बख्श फरमाते ने एक दिन मैं बाग च गया, तो फलदार दरखत टहनियाँ लटक रही, एक सरू का बूटा तो सीधा ही अकड़ के खलोता, तो करीब जाके फरमाते ने तेरी बरादरी झुक के खड़ी, तू बड़ा अकड़ के खलोता है। तो फरमाते ने सरू के बूटे चु आवाज आई मुहम्मद बख्शा इन्हों यार मिल गया, मैनू उड़ीक लगिया हुई
उसे दरख्त ना टेक लगा के फिर मियाँ साहब ने शेर लिखिया। आप फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्ढे, उच्चा हो रस्ता वेखे, मता यार कितों सिर कड्ढे। पता लगे उड़ीकां वाले उच्चे होके राह वेखदे ने, उच्चियां जगह ते खलो के पब्बा पार होके उच्चे होके यार दियां रामा वेखदे। अम्मा खदीजा भी ओ उचली छत ते टुर जांदियां ते उस राह वल वेखदियां जिहड़ा मक्के वल आ रिहा है। नाले उड़ीकां करदियां नाले आखदियां रस्ता ऐ उड़ीकां, मैं दिल पर अपने हल ऊंचे ते चढ़े के जिस वेले दिल काली पावे के मैं रोवाया दर बड़े के। बस भाई गल मुकाइए, जदों अम्मा खदीजा फरमा दिया काफिल आया, नबी पाक दे चाचे ताए ते हज़ूर नूं घर लै गए। अम्मा खदीजा मैसरा नूं कमरे च लै गईआं, फरमांदियां वे मैसरा वे जल्दी दस वे की वेख के आया है। ते मैसरा कहंदा खदीजा तैनूं की दसां, जदों काफिला टुरिया ऊंट बीमार हो गए, ते काफिला अगे ऊंट पिछे, मुहम्मद ने हथ फेरे ते ऊंट अगे ते काफिला पिछे। अम्मा सुन के फरमांदियां अच्छा चल ये छड्ड ते कोई होर सुना। कहंदा खदीजा आ जिहड़ा मुहम्मद है ना, इहदा साया ते कोई नहीं। अम्मा फरमा दी मैं आप वेख बैठी हूँ, कोई होर सुना। कहंदा मुल्के शाम तो करीब ना बसरा शहर है, उत्थे एक पादरी मिलिया ते उन्हें आख्या ये अल्लाह दा आखरी नबी है। अम्मा फरमा दी ये भी छड़ कोई होर सुना। कहन लगा मुल्के शाम में इस बार तेरा माल नहीं विकया, मुहम्मद दा जमाल विके। फरमा दी ये भी छड़ कोई होर सुना। कहंदा एक बाबा मिलिया डबल कीमत ते कंबल खरीद के लै गया, ते मुहम्मद नूं कहंदा सी सोने जिवें आखेंगा उवें कर लवांगे। ते अम्मा खदीजा फरमा दी वे मैसरा वे चंगियां चंगियां सुनाई जाना है। इन्हें महीने कठिया गुजार के आया, वे कोई उंज दी भी सुना, वे कोई उंज दी भी सुना। मैं सरा कहन लगा की सुनावा रुतबा करा बयान की, उस बे मिसाल दा रुतबा करा बयान की, उस बे मिसाल दा रुतबा करा बयान की, उस बे मिसाल दा सानी न कोई आमिना माई दलाल दा, सानी न कोई आमिना माई दलाल चाचे ताया नूं फिकर सी मुहम्मद कारोबार केड़ा करनगे, सिर ते मां भी कोई नी, बाप भी कोई नी, दादा भी कोई नहीं। उदू आवाज आई कमली वाले तू मेरे दर दा फकीर बन के बैठा रह, जे कायनात दी मलका तेरे फूफे ना आ जाए, मैनू मुहम्मद रब कौन आखे। पर मैं सुनया तू मेरे बोल बैठा रह। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नौजवान जड़ वेले रिश्ते दा पैगाम आया, नबी करीम दे खानदान वाले बड़े राजी हो गए। मक्के दी मलका कायनात दी मलका दा पैगाम निका दया आए, नौजवान रिश्ता तय हो गया। आओ मैं हुन नबी दी शादी सुनावा, तेरे वेले मेरे नबी दी बरात मक्के दी गली च जा रही। ओ बरात कैसी बरात होगी, जिदा दूल्हा कमली वाला दुल्हन अम्मा खदीजा तुल कुबरा है, मेरे नबी दे चाचे बराती ने, ताए बराती ने, फुफियां बराती ने, मक्के दे उमरारू असा बराती ने। अज किसे नौजवान दी बरात टुरे, सारे घर वाले नु बड़े चा चढ़े आंदे ने, पर बहुता चा ओनो आंदे जेड़ा लाड़े दा बचपन दा यार आंदे, जेड़ा लंगोटिया यार आंदे, ओ कैसा मनदा रवेगा
बारात मुहम्मद ही जा रही जिन्हों पौते चा चढ़े ने मुहम्मद का बचपन का यार अबू बकर सिद्दीक बरात आ गई मेरे नबी दी नकाह पढ़िया गया किवें पढ़िया गया किन्ने पढ़ाया तफसील दरकार बस हो गया शादी दी आई ना पहली रात बोलिया जे सुभान अल्लाह आखिरी गल अम्मा खदीजा ने शादी की पहली रात अपनी सारी जिंदगी की दौलत मेरे नबी के कदमों च रख दी। सीरत निगार फरमाते ने एडा उच्चा सोने का ढेर सी कि उस सोने के ढेर से एक तरफ कमली वाले बैठे थे एक तरफ अम्मा खदीजा बैठी फरमादियां मेरे ते नबी के दरम्यान एडा उच्चा सोने का ढेर कि मैं हजूर नजर ही नहीं आ रही। अम्मा खदीजा का किरदार उन बीबिया वास्ते उसवा नहीं अज की बीबी सारी जिंदगी अपने शौहर की कमाई खा के ना पेख्या तू आ जाए ना ईद है ना ते एक हजार रुपया आवे ना ते बीबी अज भी पता की कर दी हजार रुपये पल्लू ना बन के रख दी मजाल है किसी दिन हाथ ला जाए है ना पेख्या तू हजार रुपया ईद आ जाए ते ओ हर बीबी नू वखांदी है अब्बा जी ने हजार रुपया भेजे ते सारी जिंदगी शोहर की कमाई खा के आखिर ते फिर कहती है जदों दी आईया ना तेरे घर वेखे कख है ना पेकियां दा हजार रुपया भी संभाल के रख दिया ते शोहर दी सारी जिंदगी कमाई खा के ना शुक्री कर दिया। मेरे नबी फरमाया मैं दोज़ख च ज्यादा औरतां वेखियां ते जन्नत च बहुते गरीब वेखे। सुनिया दोज़ख च औरतां क्यों ज्यादा गई फरमाया बस इस वजह तू कि शौहर की ना शुक्री कर दिया। उस बीबी का किरदार वेख दो चार पांच सत्त बीस पंजाह लख नहीं सोने का ढेर अपने बाप के दादे ते परदादे की कमाई ते पेकियां की कमाई सोने के ढेर लिया के मुहम्मद के कदमों च पहली रात रखी ते हाथ जोड़ के कहन लगियां सब कुछ यार हवाले तेरे जिंदड़ी जान भी तेरी मेरा ते उन मालिक तो औकात नहीं मेरी सारी जिंदगी की कमाई पहली रात मुस्तफा के कदमों च रखी ते वाह कमली वाले फिर तेरिया भी अमीरिया तो मैं सदके जावा। मेरे नबी ने सवेर का सूरज नहीं तलू आन दिता सारी दौलत ही मक्के के गरीबों च वंड दी ते अम्मा खदीजा ने सी भी नहीं की थी, ते ए भी नहीं आख्या सोनिया मैं कमांदे जिंदगी लगाई है तू वंडदे रात भी नहीं लाई आख्या सब कुछ यार हवाले तेरे ते जिंदड़ी जान भी तेरी है। मेरे नबी दी आ जवानी पाकीजा नौजवानों फिर अल्लाह ने अपने महबूब ने जितनी औलाद दी सिवाय एक पुत्र तू सारी औलाद अम्मा खदीजा तुल कुबरा चू अता की थी। ए ओ खदीजा है जिदी वफा दियाँ सारी जिंदगी मेरे नबी रो रो के जिक्र किए ये वे जड़ी सारी मोमिना की माँ है ये वह खदीजा है जिन्हों अल्लाह ने जबरील नू भेज के फरमाया फरमाया जा जबरील मेरे नबी नू जाके कह सुने अल्लाह फरमादा खदीजा नू जबरील का भी सलाम हुए तो रब का भी सलाम वो खदीजा जिन्हों अल्लाह ने सलाम भेजे अल्लाह ताला मेरी तुहाड़ी हाजरी कबूल।